प्लास्टिक कब से प्रारंभ हो रहा है एवं होली की किस प्रकार से करें पूजा अर्चना, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भगवान हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कथा आई है, इस विषय पर विशेष रूप से जानते हैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री झांसी वाली। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। संपूर्ण देशवासियों के लिए होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मैं आचार्य राजेंद्र शास्त्री झांसी, उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग चर्चा करते हैं होली पर्व त्योहार के विषय पर। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार आप सभी को ज्ञात है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के द्वारा यह व्रत मनाया जाता है। वैदिक हिंदू सनातन धर्म में परंपरा है कि हर व्रत का, हर त्योहार का कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम कथा से ही स्थिति को लिया गया है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को जब नाना प्रकार से मारने का प्रयास किया गया, उसी में एक प्रयास हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी उसके माध्यम से भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलने लगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि होली से 8 दिन पहले होलिकाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, तो 18 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक होलिकाष्टक मनाया जाता है, जिसमें कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान नहीं किया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है पंचांग निर्णय सागर के अनुसार 24 तारीख को आप होलिका दहन का क्रम को संपन्न करें और 25 मार्च को 12:29 के बाद से पूर्णिमा का जो मान है वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में आप विस्तार से होली खेलें। रंग त्योहार इत्यादि का प्रयोग करते हुए इस पर्व को संपन्न बनाएं। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार होलिका दहन का जो क्रम है, जो होली को जलाया जाता है, उसमें रोली, चंदन, धूप दीप इत्यादि का प्रयोग पूजन करके ही होलिका दहन का कार्य को संपन्न किया जाता है। 24 तारीख को रात्रि में 9:43 तक मिनट से और 25 तारीख को दिन में 12:59 तक पूर्णिमा तिथि का मान्य रहेगा। इसी मध्य में आपको होलिका दहन का कार्य सिद्ध संपन्न करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।